साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की लेखिका मधु कांकरिया हैं। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाती हैं। उनकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है, अतिंद्रियता से परे, यानी उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इस संसार में मौजूद हैं या नहीं, यानी भावना शून्य हो जाती हैं। वह मंद स्वर में नेपाली भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती हैं। उन लोगों ने सुबह युमथांग के लिए जाना था। यदि वहाँ का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। मौसम साफ होने के बावजूद भी आसमान में हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं दी थी। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर का नाम जितेन नारगे था। युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दीं। ये पताकाएं अहिंसा और शांति की प्रतीक हैं। जितेन नारगे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफ़ेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता है। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नारगे की जीप में भी दलाई लामा की फ़ोटो लगी हुई थी। जितेन ने बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता हुआ चक्र देखा, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था। वहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य सब एक जैसे हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगीं। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। पास से उनका वैभव कुछ अलग था। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से गुजर रहे हों। सब यात्रियों पर वहाँ के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने मन में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी के साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी। वह मन ही मन हिमालय को सलामी देने लग जाती है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने में लग जाते हैं। लेखिका आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह झरने से बह रहा संगीत आत्मलीन होकर सुनने लगती है। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का पानी उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर की सारी कुटिलता और बुराइयां पानी की इस धारा में बह गई हैं। वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं थी।
जितेंद्र ने कहा कि इससे आगे और भी सुंदर दृश्य है, पूरे रास्ते भर आँखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य मिले। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा हुआ था जो सबको रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहाँ जीप रुकी थी वहाँ लिखा था थिंक ग्रीन। वहाँ ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे बेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया था। उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई हुई लग रही थी। मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूट गया। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही है। एक कर्मचारी ने बताया कि यह पहाड़ी ने मौत की भी परवाह न करते हुए लोगों के लिए पहाड़ी रास्तों को चौड़ा करके रास्ता बनाती हैं। कई बार तो अपना काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं और यदि सावधानी ना बरती जाए तो कोई भी हादसा जो जानलेवा होता है घटित हो जाता है। उन लोगों की स्थिति देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम आदमी की कहानी एक सी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव, यातना और अपना अस्तित्व बनाए रखने की जद्दोजहद चलती रहती है। लेखिका की सहयात्री मणि और जीतेन उसे गमगीन देखकर कहते हैं कि यह देश की आम जनता है। इसे वे लोग कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। लेखिका उनकी बात सुनकर चुप रहती है, परंतु मन ही मन सोचती है कि ये लोग अपना सब लगाकर समाज को कितना कुछ देते हैं। वे लोग इस कठिन स्थिति में भी खिलखिलाते रहते हैं। वे सब लोग वहाँ से आगे चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ आसपास एक या दो ही स्कूल हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम भी करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही कठोर है। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार जगह जगह चेतावनियों के बोर्ड लगा के रख रही थी कि गाड़ी धीरे चलाएं। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चराकर घर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियां और उनके गट्ठर थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख रही थी। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे।
लेखिका सफ़र की थकान उतारकर तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी लय, ताल और गति में कुछ कह रही है। इस सफ़र ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया था। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहाँ बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहाँ बर्फ का नाम नहीं था। वे लोग उस समय समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गई थी। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ का सारा वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। जरा सी भी असावधानी होने पर बड़ी घटना घट सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर मौसम साफ हो गया। मणि कहने लगी कि स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है यह स्थान। कटाव दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ से भरे हुए पहाड़ थे। जितेन कहने लगा, यह बर्फ रात को ही पड़ी है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे चारों ओर चांदी फैली हो। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने को हो रहा था, परंतु उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। सभी सहयात्री वहाँ के वातावरण में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका फ़ोटो खिंचवाने की अपेक्षा वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। ये हिम शिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में भी हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएँ पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का भी हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में अपने को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई थी। बैसाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पोष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी अपने आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहां से वापस लौट आए थे। युमथांग की पूरी घाटियां प्रियता और उडेन रोड के फूलों से खिली थी। जितेन ने रास्ते में बताया, यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसने आगे बताया कि उसने तो कुत्ते का भी मांस खाया हुआ है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखिका को लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है। लोगों को सुअर का दूध पीते हुए देखा है। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था। वहां के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकार जाने को पसंद करते हैं।
पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा करके वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने कई और महत्वपूर्ण जानकारियां उन लोगों को दी। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई, उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि भी लोग पहाड़ी पर गंदगी नहीं फैलाते, इसलिए वे लोग गंगटोक को गंतोक बुलाते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को बढ़ावा मिल सके और सभी स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे चैप्टर्स मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।